अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों की क्रूरता अब बढ़ती जा रही है। जो तालिबान कुछ दिनों पहले शांति के साथ सत्ता हासिल करने की बात करता था, उसी के लड़ाके अब लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। कंधार में अफगानिस्तान का झंडा फहराती भीड़ पर की गई तालिबान की फायरिंग में दो लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। देश के अधिकतर हिस्सों में आम लोग तालिबान के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। इस बीच अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के गढ़ पंजशीर में भी तालिबान विरोधी फौजें इकट्ठा होनी शुरू हो गई हैं। पंजशीर अफगानिस्तान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान आज तक अपना कब्जा नहीं कर पाया है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा ये प्रांत इस बार भी तालिबान के खिलाफ विद्रोहों की आवाज़ बुलंद करता हुआ दिख रहा है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं। अमरुल्ला सालेह ने तो खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के वो हीरो थे जिन्हें रूस और तालिबान कभी नहीं हरा पाए। अहमद शाह मसूद ताजिक समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले सुनी मुसलमान थे। इंजीनियरिंग किए हुए अहमद शाह मसूद साम्यवाद के कट्टर आलोचक थे। 1969 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब उन्होंने विद्रोही ताकतों की कमान संभाली और एक के बाद एक कई सफलताएं भी हासिल की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।